तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर और आप देख रहे हो मोहित व्लॉग्स। और आज मैं आया हूँ नंदगांव में, जैसे कि आपने इससे पहले वाली वीडियो में मेरे देखा होगा। और मैं आपको बता दूँ, इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है संकेत वट, और आप देख सकते हो ये लिखा हुआ भी है पीछे, श्री संकेत देवी माता जी का मंदिर है यहाँ पे। ये स्थान मैं आपको बता दूँ, ये संकेत वट स्थान है और यहाँ पे संकेत देवी जी का मंदिर है जो साक्षी देवी कहलाती है यहाँ पे। यानी कि जब भगवान कृष्ण और राधा रानी की सगाई हो रही थी उस समय वह साक्षी थी, यानी कि उस समय वो मौजूद थी और उन्हीं देवी जी का मंदिर यहाँ पे बनाया गया। तो चलते हैं अंदर और मैं आपको दर्शन कराता हूँ और देखते हैं किस रूप में वो यहाँ पे विराजमान है। तो चलिए चलते पहले अंदर। अब मैं आपको अंदर दर्शन करा दूं, ये मैं आपको बता दूं, अभी यहाँ पे मंदिर ये बंद है लेकिन आप दर्शन कर सकते हो। और आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे ताला लगा हुआ है मैं, लेकिन आपको यहाँ पे दर्शन करा देता हूँ। और ये मैं आपको बता दूं, ये है साक्षी माता जो भगवान कृष्ण और राधा रानी की जब सगाई थी उस समय ये सामने मौजूद थी और उनका ये मंदिर यहाँ पर बनाया गया है। और जो संकेत वट है उसके मंदिर से ये थोड़ी सी आगे है, आपको मैं बता दूँ थोड़ा सा आगे आपको यहाँ पर इनके दर्शन होते हैं। तो ये है यहाँ का ये मंदिर जो कि आप देख सकते हो संकेत। आपको पर मैं आपको दिखा दूँ, आप अगर पढ़ पाओ तो पर नाम इनका लिखा हुआ है श्री संकेत देवी जी। तो ये उन्हीं देवी जी का मंदिर है यहाँ पे। तो चलते हैं बाहर यहाँ से, मैं आपको दिखा दूं, ये सामने बहुत बड़ा रास मंडल बनाया हुआ है आप देख सकते हो। मनमोहक है, बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। मैं जैसा देख पा रहा हूँ मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छा तरीके से इसको बनाया गया है। अब तक जितने भी मैंने रासमंडल देखे हैं उन सब में से ये बहुत बड़ा रासमंडल है अब तक का। रासमंडल में से जो मैंने अब तक के रासमंडल देखा है मैं आपको बता दूँ, ये बहुत बड़ा रासमंडल है आप देख सकते हो। और ये द्वार भी बनाया हुआ है यहाँ पे, वहीं एक मंदिर भी है सामने स्थित, और आपको मैं नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये आपको मोर के दर्शन होते हैं यहाँ पे, एक जिसे कहते हैं एक तरीके से जो बैठक के लिए बनाया जाता है। ये पीछे आपको मोर की दृश्य देखने को मिलेगा, जिस प्रकार सामने रास करते हैं भगवान तो पीछे मोर को दर्शाया गया है। बहुत ही सुंदर है, मैं आपको बता दूं बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। बहुत ही प्यारा दृश्य है और जगह जगह पे ऊपर लाइटें लगाई गई हैं जो कि रात के टाइम पर यहाँ पे बहुत ही सुंदर में लगती होंगी ये लाइटें। बहुत ही बहुत ही प्यारा यहाँ का दृश्य होता होगा रात के समय में, और बहुत प्यारा है अब तक का जितने भी मैंने रासमंडल देखे हैं मैं आपको बता दूं। और इन लाइटों को कंट्रोल करने के लिए, जलाने के लिए आपको स्विचेस इन्हीं पिलर्स में दिए हुए हैं, बहुत ही सुंदर हैं। मैं बता दूं आपको, अब तक का जो रासमंडल है उन सब रासमंडलों में से मुझे बहुत प्यारा ये रासमंडल लगा है। कान्हा जी मेरे साथ अभी भी मौजूद है और मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो रासमंडल है, आप भी ये बताना मुझे इस चीज़ के लिए कि जो अब तक का रासमंडल, जितने भी हमने रासमंडल देखे हैं उन सबसे ये मनमोहक रासमंडल है और सबसे बड़ा रासमंडल है ये। अभी जीर्णोद्धार हुआ है इस रासमंडल, अभी हुआ जीर्णोद्धार इसका। तो आपने दर्शन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए हैं, बहुत ही प्यारा है यहाँ पर ये रासमंडल है। मैं आपको बता दूँ बहुत ही सुंदर है यहाँ का दृश्य,
और बहुत ही प्यारी तरीके से इसको बनाया गया है। और लाइटिंग आप देख सकते हो, जैसे जैसे कान्हा जी ने यहाँ पे अभी जलाई है, तो आप देख सकते हो जल गई है। तो सारे लाइटों को कंट्रोल आप यहीं से कर सकते हो इन्हीं स्विचेस से, तो रात में काफ़ी अच्छा यहाँ पे दृश्य लगता होगा और बहुत ही प्यारा है यहाँ पे। जो सामने आपको ये बैठक देखने को मिलती है भगवान कृष्ण की, मैं मंदिर से आ चुका हूँ बाहर। और आपने देखा होगा मैंने आपको दर्शन कराए हैं अंदर, जो मंदिर मौजूद हैं, जो संकेत देवी जी का मंदिर है उनके मैंने दर्शन कराए। मंदिर बंद हो चुका है लेकिन फिर भी मैंने आप थोड़ी बहुत कोशिश की है आपको दर्शन कराने की। और जो रासमंडल है बहुत ही प्यारा रासमंडल बनाया गया है यहाँ पे। जितने भी अब तक के मैंने रासमंडल देखे उन सब में से रासमंडल ये वाला बहुत बड़ा रासमंडल था और मुझे बहुत प्यारा लगा है। आपको कैसा लगा है आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। और ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। यहाँ पे कई सारे बंदर भी हैं तो उन्हीं की आपको आवाज़ देखने को मिलेगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। और आगे आपको बता दूँ मैं ब्रिज धाम की और वीडियोज़ आते रहेंगे, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना। मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हो, दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही, थैंक यू।